La 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 la. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। निगाहों में मेरी ये सूरत है तेरी, जिंदगी ये मेरी अमानत है तेरी। धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, मोहब्बत ये तेरी इबादत है मेरी। तेरे सिवा कुछ याद नहीं है, तू ही तू दिल में, हाँ तू ही तू दिल में। दिल ने यार की पूजा की है, दिल ने यार की पूजा की है। प्यार का नाम खुदा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है। Thank you. Wow, wow. First class. Yeah. Pawan is a Pawan. ये फैलेगा हर जगह, इसके हाथ में नहीं आएगा। क्या बात है, अपने हाथों में आवाम को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तो प्यार न कर। क्या बात, क्या बात है सर। हर गाने की एक मिसाल दी जा सकती है, लेकिन ये जो दो गाने हैं वो एक कंपोजर अपनी मेलेडी के जरिए क्या इतिहास रच सकता है। हजारों साल तक ये दोनों गाने हमारे हजारों साल तक। और पवनदीप ने आज जो गरिमा है इन गानों की, बिल्कुल इतनी ऊंची है, उसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ऊपर लेके गया। उसके लिए पवनदीप, ये बीमार हालत में भी जो तुमने गाया है, हैट्स ऑफ। पवनदीप, मैं मेस्मराइज्ड हो गई। सिर्फ आपकी आवाज थी और एक बेसिक से माइक में एक गिटार लेकर, जो कि सिर्फ आपका थोड़ा सा साथ ही दे रहा है। पता चल रहा है कि आप बीमार हैं, लेकिन सिंगिंग में तो बिल्कुल भी साउंड नहीं किया आप बीमार हैं। बीमार क्या, आपने हमें बीमार कर दिया सुन के। मतलब हमारे दिल में लग गई यार, जख्म हो गया। पवनदीप, आप एक सुरीली हवा है जो पूरे वर्ल्ड में अपने सुर फैलाएगी और सब कहेंगे कि हवा की भी सुर होते हैं, हवा भी कॉन्सर्ट्स करती है। एवरीवेयर। पवनदीप, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, जल्दी आ जाओ, वी मिस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बस बिल्कुल पीडीआर यानी कि पवनदीप तूफान राजन, तूफान की तरह स्टेज पे आइए। तूफान है कि संजू बाबा है भाई, ऐसे थोड़ी आता है तूफान। दोस्तों, जब 1982 में बच्चन सर का एक्सीडेंट हुआ था तो हमारी पीएम साहिबा तक अपना फॉरेन टूर कैंसिल करके उन्हें देखने आई थी। कमिंग टू टुडे, ये 2 हफ्ते बीमार क्या पड़े, 24 करोड़ मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। किसी ने पूछा, क्यों रे अंडा काहे नहीं दे रही हो, तो मुर्गी ने उसे झापड़ मारते कहा, उधर पाउनू का मुंह बीमारी में ऑमलेट जैसा बना है और तुझे अंडों की पड़ी है। एक बच्चा था तकरीबन 7 या 8 बरस का, आभास नाम था उसका। आभास मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अपनी माँ और भाइयों के साथ रहता था। उसे गाने का बड़ा शौक था, लेकिन ट्रेजेडी देखिए, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एकदम भर्राई हुई, गला एकदम बैठा हुआ। पर वो ऐसा ज़िद्दी कि बैठे हुए गले के बावजूद हारमोनियम लेके बैठा रहता और गा गा कर घर वालों को परेशान करता रहता। एक दिन हुआ ये कि वो खेलता खेलता माँ की रसोई में घुस गया। माँ खाना बना रही थी और सब्जी काटने वाली दराती वही जमीन पर पड़ी हुई थी। अचानक बच्चे का पैर दराती पर पड़ गया और दराती बहुत गहरे तक पैर में धंस गई। बुरी तरह खून बहने लगा, एक उंगली लगभग पूरी तरह कट के पैर से अलग हो गई। आनन फानन में डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने किसी तरह उंगली तो जोड़ दी, लेकिन उसका दर्द कम नहीं कर पाए, क्योंकि उन दिनों पेन किलर्स नहीं हुआ करते थे, ये बहुत पहले की बात है। बच्चा अगले 15 दिनों तक दिन रात दर्द से कराहता रहा, रोता रहा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि उसके वोकल कॉर्ड्स खुल गए और उसकी आवाज ऐसे निखर गई जैसे बादल छटने पर धूप खिलाती है। वो बच्चा आभास कुमार गांगुली देश का सबसे बड़ा सिंगर बना। आप नहीं जानते आभास को, किशोर कुमार को जानते हैं ना, बस उन्हीं की बात हो रही है। ऊपर वाला बड़ा खिलाड़ी है, कोई नहीं जानता वो किस पेड़ पे कौन सा फल दे। मुश्किलों से हंस के मिलना, क्या पता कौन सी मुश्किल मुकद्दर बदल दे। वाह वाह सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे यार पवनदीप। मैं कुछ हफ्तों पहले जब रिपब्लिक डे एपिसोड पे यहाँ आया इंडियन आइडल और आपने तेरी मिट्टी गाया, उसके बाद से मैंने अचानक देखा कि मेरा जो डीएम का बॉक्स है, डायरेक्ट मैसेज का बॉक्स, मैं बड़ा खुश हुआ। 700 मैसेजेस, 1000 मैसेजेस, मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं अचानक बड़ा पॉपुलर हो गया। मतलब हज़ार लोग मुझे रोज़ मैसेज कर रहे हैं मिलने के लिए। मैंने जब खोल के पढ़ना शुरू किया तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि वो जो 700-800 आते थे उसमें से 600 इसलिए होते थे कि हम पवनदीप के बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप हमें मिला सकते हो क्या। लेकिन आज जो आपने परफॉर्मेंस दी पवन, ऐसा लगा यार कि चंपावत के पहाड़ गा रहे हैं, चंपावत की घाटियां गा रही हैं, उत्तरांचल के झरने गा रहे हैं, और वो जो पुण्य भूमि है उत्तरांचल, इतनी पवित्र धरती है, वहाँ की धरती और आकाश गा रही है। ऐसा लगा मुझे तुम्हारा गाना सुनकर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.